नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एके टेक्निकल पंजाब। तो हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक कैसे कॉपी कर सकते हैं और कैसे किसी को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे। तो हाँ जी, इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। तो यहाँ नीचे कॉर्नर में आप देखेंगे कि आपका प्रोफाइल का लोगो आपको दिखाई देगा, तो उस पर हम टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर टच करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे यूज़र नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टच करेंगे तो इस तरह से हमारा यूज़र नेम खुल जाएगा। इस पर हम उंगली रखकर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ब्लू हो जाएगा, ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा तो हम कॉपी पर टच करके इसको कॉपी करके और यहाँ से कट कर देंगे। तो उसके बाद हम अपना ब्राउज़र क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन हो चुका है अपना। तो यहाँ पे हम सर्च में टाइप करेंगे instagram.com और उसके बाद हम स्लैश लगा देंगे और उसके बाद जो हमने अपना यूज़र नेम कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर सर्च कर देंगे। तो सर्च करने के बाद इस तरह से ये ऑप्शन हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब क्रोम में हमारी इंस्टा आईडी खुल चुकी है। तो यहाँ फिर से हम ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे। यहाँ पे टाइप में टच करते सार आप देखेंगे कि नीचे हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक का बन के तैयार हो चुका है और शेयर और कॉपी का ऑप्शन साथ में आ चुका है। तो इस बॉक्स पे हम टच करके अपना लिंक कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके आपको पेस्ट करके बताता। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे WhatsApp में आपको पेस्ट कर बताते हैं। तो WhatsApp ओपन करेंगे अपना। तो यहाँ पर मैं किसी को भी सेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैसेज में टाइप करेंगे और उंगली से प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ देखिए आप, लिंक हमारा ब्लू कलर में पेस्ट हो चुका है और सेंड हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी को भी अपना लिंक सेंड कर सकते हैं और कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं।